हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के वीडियो में। महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय की तरफ से ओपन बुक एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेरीज़ लोगों के दिमाग में आ रही हैं, जिन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए आज का हमारा वीडियो बनाया गया है। इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरह हम असाइनमेंट के फ्रंट पेज को फिल कर सकते हैं, या फिर किस तरह हम असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर किस तरह हम असाइनमेंट्स मतलब जो हम असाइनमेंट्स बनाते हैं उन्हें किस तरह 5 MB के PDF में कन्वर्ट करके अपलोड कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो इस जानकारी के लिए दोस्तों आप लोगों को गूगल या फिर क्रोम की साइट पे जाना है। तो मैं यहाँ पर गूगल पे हूँ। साइट पर आकर आपको कुछ एक लिंक शो करनी है, जिसे कि मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ, MMYBBDDE। जैसे ही आप इस लिंक को यहाँ पर फिल करेंगे, आपके सामने नीचे की तरफ एक लाइन शो होगी उसी लिंक के साथ। तो आपको जाकर इस लिंक को क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे, नीचे साइड आप देखेंगे कि ये सेकेंड नंबर पर आपके सामने एक छोटी सी लिंक शो हो रही है। तो आपको इस लिंक को जाकर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक को क्लिक करेंगे, आपके सामने महर्षि साइट का एक न्यू साइट ओपन हो जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसे आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे जाना है। इसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आपका पहला ऑप्शन है स्टूडेंट लॉगिन। सो हम सबसे पहले जानने वाले हैं कि किस तरह हम स्टूडेंट आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। तो आपको इसे क्लिक करना है। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे, आपके सामने महर्षि की एक न्यू साइट ओपन होगी, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह आपको स्टूडेंट आईडी को लॉगिन करना है। स्टूडेंट आईडी लॉगिन करने के लिए आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है DE। मैक्सिमम लोग कंफ्यूज्ड होते हैं कि यहाँ हमें क्या फिल करना है। तो DE के ब्लैंक पर आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन मतलब इनरोलमेंट नंबर फिल करना है। एंड जो आपका सेकेंड ब्लैंक है, वहाँ आपको स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। सो एज एन एग्जांपल, हम यहाँ एक स्टूडेंट की इनरोलमेंट नंबर फिल करेंगे। सो 19 10 50 58। सो मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की इनरोलमेंट नंबर फिल किया है। एंड देन हम यहाँ पर स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल करने वाले हैं। सो दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब भी आप कभी किसी स्टूडेंट का डेट ऑफ बर्थ फिल करते हैं, तो आपको सबसे पहले उसका ईयर फिल करना है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट 1997 में उसका जन्म हुआ है, तो हम यहाँ पर 1997 के सामने क्लिक करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मंथ फिल करना है। तो मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म जुलाई के मंथ में हुआ है, तो आप यहाँ पर जुलाई पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं कि जैसा कि डेट ऑफ बर्थ पे हमने मंथ एंड ईयर फिल कर दिया है, अब हमें ये जानना है कि बच्चे का जन्म किस दिन हुआ। मान लीजिए बच्चे का जन्म 1 जुलाई को हुआ, तो हम 1 तारीख पर जाकर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपने जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्टूडेंट की ली है, वो यहाँ पर सेव हो जाएगी। एंड देन आपको इसे लॉगिन कर देना है। आप जैसे ही इसे लॉगिन करेंगे, आपके सामने एक दूसरी साइट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पर आपके सामने एक दूसरी साइट ओपन हुई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जैसे परीक्षा के कार्यक्रम के बारे में आप क्लिक करके देख सकते हैं। परीक्षा के लिए क्या दिशा निर्देश है, उसके बारे में भी आप जानकारी ले सकते हैं। इसके बाद असाइनमेंट के जो फ्रंट पेज होता है, उसे हम किस तरह फिल कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्लिक हेयर पर जाना है। क्लिक हेयर पर जाने के बाद आपको आपके सामने एक साइट ओपन होगी, एक फ्रंट पेज आपके सामने आया है जिससे आपको फिल करना है। तो इस तरीके का आपके सामने एक फ्रंट पेज शो होगा। सो इस फ्रंट पेज पे सबसे पहले है रोल नंबर। तो आपको स्टूडेंट का रोल नंबर शो करना है, एंड देन स्टूडेंट का इनरोलमेंट नंबर, एंड देन स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट के फादर का नेम, स्टूडेंट क्या कोर्स कर रहे हैं,
क्लास वो किस ईयर में है, उनके पेपर की कोड, पेपर का नाम एंड टोटल नंबर ऑफ रिटन पेजेस कि उन्होंने टोटल कितने पेजेस लिखे हैं। तो यहाँ पर उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी होगी। एंड यदि किसी के पास अभी ये क्वेरी है कि मान लीजिए उन्हें उनका इनरोलमेंट नंबर नहीं पता, तो इनरोलमेंट नंबर के लिए आप इसे बैक करके जब जाएंगे, आप इसे थोड़ा सा स्मॉल करेंगे तो देखेंगे स्टूडेंट लाइफ मतलब साइट की जो डैशबोर्ड है स्टूडेंट लाइफ में थर्ड नंबर पर आपको असाइनमेंट लिखा हुआ दिख रहा है। तो आपको असाइनमेंट को क्लिक करना है। आप जैसे ही असाइनमेंट को क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू साइट ओपन होगी जहाँ पर आप देख सकते हैं सामने आपके सामने शो हो रहा है असाइनमेंट। यहाँ पर असाइनमेंट के नीचे सबसे पहले कोर्स का नेम दिया गया है एंड देन क्लास नेम, उसके बाद स्टूडेंट का रोल नंबर। इसके बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि फ्रंट पेज पर आपको जितनी चीज़ें फिल करनी थी सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर पेपर्स के नेम दिए गए हैं लाइन वाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ लाइन वाइज पेपर्स के नेम दिए गए हैं। पेपर्स के नेम के बाद यहाँ पर आपको साइड में पेपर के कोड दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ आपको सभी पेपर के उनके सामने कोड दिए गए हैं। इसके बाद आपका थर्ड ऑप्शन है क्वेश्चंस। क्या आपके पेपर का क्वेश्चन पेपर अगर आपको देखने हैं तो व्यू क्वेश्चन को क्लिक करके आप क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। एंड देन लास्ट ऑप्शन फॉर अपलोडिंग, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। सो यदि आप किसी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप व्यू क्वेश्चन पर जाकर उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज दैट हमें इंग्लिश लैंग्वेज सेकेंड का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो इंग्लिश लैंग्वेज के सामने जाकर व्यू क्वेश्चन को हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे हमारे सामने इंग्लिश लैंग्वेज टू का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। जैसा कि आप इमेज स्क्रीन पर देख पा रहे हैं आपके सामने इंग्लिश लैंग्वेज टू का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो चुका है। इसके साथ यदि किसी स्टूडेंट के पास स्टडी मटेरियल नहीं है तो आप इसी साइट पर साइड में जाकर जब देखेंगे दोस्तों तो यहाँ स्टूडेंट लाइफ में जो फिफ्थ नंबर पे स्टडी मटेरियल शो हो रहा है तो आप इस स्टडी मटेरियल को जाकर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे आपके सामने एक न्यू साइट ओपन होगी। इस साइट पर जाकर आपको सबसे पहले आपकी क्लास सेलेक्ट करनी है। मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में है तो हमने चूज़ किया। अब हमें सब्जेक्ट चूज़ करना है, मान लीजिए हमें इंग्लिश लैंग्वेज का ही स्टडी मटेरियल चाहिए। अब यहाँ पर हम यूनिट देखेंगे कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज, जैसा सभी जानते हैं 4 या 5 यूनिट होती हैं, सो हम मान लीजिए हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज का सेकेंड यूनिट देखना चाहते हैं। फिल करने के बाद हमें शो पर क्लिक करना है। जैसे हम शो पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पेपर के नाम एंड यूनिट के साथ तीन पार्ट्स के PDF आ गए हैं। तो हम Part 1 PDF गेट करने के लिए PDF पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम PDF पर क्लिक करेंगे थोड़ी ही समय में हमारे सामने यूनिट 2 का PDF डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप इमेज पर देख पा रहे हैं आपके सामने इसका पूरा PDF डाउनलोड हो चुका है। इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो इस तरह आप स्टडी मटेरियल गेट कर सकते हैं एंड अच्छी तरह अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर सकते हैं। एंड गाइस इसी के साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे असाइनमेंट फाइल की सारी इन्फो यहाँ पर दी गई है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि असाइनमेंट क्वेश्चंस को हम किस तरह अपलोड कर सकते हैं। सो जब हम अपलोड पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक न्यू साइट ओपन होगी जिस पे अपलोड असाइनमेंट के साथ साथ कोर्स नेम, क्लास नेम, पेपर कोड एंड पेपर नेम शो होगा। एंड देन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोगों को आती है कि हम 5 MB की फ़ाइल को कैसे PDF फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे दोस्तों। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।